बारूद यहां इकट्ठा होने की बात सामने आई है। वासु, हाँ बिल्कुल ललित जी, और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत जायज चिंता अपनी टीम की है, और हम लोगों की ये कोशिश जरूर रहती है कि हम लोग सबसे करीब से और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें जो हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, यही न्यूज 18 की हमेशा से प्राथमिकता रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल तस्वीरों में, और ये साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रही है, इस बात को बता रही है कि ये बारूदों का ढेर है, और अभी भी जब थोड़ा सा पानी कहीं से पड़ता है इस पूरे मलबे पर तो आप देख सकते हैं कि कैसे धुएं का गुबार सा एक उठता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, नजर आता है। और जो रेस्क्यू की टीम वहाँ काम कर रही है, दीपक आपको उनकी तस्वीर वहाँ पे जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे, एक तरफ से पानी की बौछार, एक तरफ से उठता हुआ धुआं, और नीचे बिछा हुआ काला मलबा, या यूं कहें कि वो बारूद का ढेर जिसे पानी बनाकर फिलहाल राख कर दिया गया है। लेकिन मुझे चिंता ललित जी इस बात की है कि इस मलबे के नीचे न जाने कितनी जिंदगियां अभी भी दबी हुई होंगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्थानीय लोगों के पास गया, उन्होंने मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2000 तक लोग आसपास के गाँव से आकर काम किया करते थे। 300 से 350 लोगों की मौजूदगी उस समय हो सकती है जब हादसा यहाँ पे हुआ है। अभी तक सिर्फ एक दर्जन के करीब कैजुअलिटी की जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो हुआ है, 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का ये अनुमान है कि ये जो संख्या है ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इससे कहीं और ज़्यादा आगे ये आंकड़े जो हैं वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी भी जगह जगह रह रह के जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पे अभी भी बारूदों के ढेर में से चिंगारियाँ निकलती हुई नजर आ रही हैं, जो फटाके यहाँ पर बनते थे वो अभी भी कभी कभी फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे 100 से ज़्यादा टैंकर्स और फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसके जरिए यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों टन की, अगर हम लाखों मैट्रिक टन की अगर बात करें, बात कही है यहाँ पे, जो दरअसल आग का आलम यह है कि उस पर कंक्रीट गिर चुका है। सबूतों की स्थितियां ये हो चली हैं कि वहां से राख से ज्यादा कुछ हासिल होगा नहीं, लोगों की संख्या अब तक क्लियर नहीं हो पा रही है। फैक्ट्री अगर अनफिट होती है तो जाहिर तौर पर अनफिट तरीके से काम चलता है, अनफिट तरीके से अगर काम चलता है तो लोग कैसे इंसाफ के साथ या पूरे कानूनों का पालन करते हुए अंदर जाते होंगे। खबर यह भी लग रही है कि बारूद का एक जगह स्टॉक नहीं रखा जा सकता, तो यहां धीरे धीरे जो लोग बसते चले गए उनके घरों में भी बारूद धीरे धीरे स्टॉक होने लगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो मौत का जो एम्पायर खड़ा हुआ, ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन में नहीं हुआ, ये सालों तक इसी तरह से काम करता रहा, और उसका नतीजा है आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस हरे भरे पेड़ पर नजर डालिए जिसके बारे में वासु ने जानकारी दी, वो हरा भरा पेड़ ठूंठ में तब्दील हो गया है। उन गाड़ियों पर नजर डालिए जो टनों वजनी होती हैं, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख कीमत की गाड़ियां खाक बन चुकी हैं, तो 206 हड्डियों वाले इंसान की क्या हालत होगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मिथिलेश क्या अपडेट? बिल्कुल ललित, आपने जैसा कहा वैसी तस्वीर यहां भी नजर आई। अभी तक इंदौर में 2 एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, दूसरी एम्बुलेंस जो अभी यहां पर आई उसमें 3 जो है महिला थी और उनके शरीर पे बारूद के निशान थे, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे, और ग्राउंड जीरो में मौजूद है वासु। वैसी कुछ अभ्यावक स्थिति कहीं ना कहीं से जो लोग वहां से रेफर होकर इंदौर आ रहे हैं वो स्थिति यहां भी नजर आ रही है। एक पहली एम्बुलेंस जो आई थी उसमें एक 50 साल की महिला जिनका नाम दीपा है हेड इंजरी है, उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस भी आ चुकी है जिसमें 3 महिला है और 3 महिला में एक बच्ची है, तो तीनों लोगों को चोट लगी है, एक को हाथ में लगी और 2 को बकायदा शरीर के अलग अलग स्थानों पर लगी, और इन्हें जो चोट लगी है वो बारूद के विस्फोट के बाद जो दूर दूर तक जाके पत्थर गिरे थे उन पत्थरों से ये लोग घायल हुए थे। इनका वहां पे घर नहीं था, ये कुछ दूर वहां से गुजर रहे थे, ये भी लोग आसपास की जगह पर काम करते हैं, लेकिन जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के बाद जो पत्थर उड़ के कई मीटर दूर तक जाके गिरे उस पत्थर के ये शिकार भी हुए, इन्हें चोट लगी है, इन्हें रेफर करके इंदौर भेजा गया और इंदौर में इनका उपचार शुरू कर दिया गया। और भी तैयारियां इंदौर में सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है, और एक के बाद एक अब एम्बुलेंस के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जो लोग यहां पर आ रहे हैं, जो स्थितियां बता रहे हैं, वो काफी दर्दनाक है, काफी भयावक है। उस बंजर को याद करते हुए वो डर जा रहे हैं, सियर उठ रहे हैं। आखिर जब उनसे पूछा जा रहा है वहां क्या कुछ हुआ तो सिर्फ वो एक ही बात कर रहे हैं कि वो मंजर बहुत भयावक था, विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद मानो सब कुछ खत्म हो गया, चारों तरफ से धूल थी और तेज तेज से
आवाजें आ रही थी। और ग्राउंड जीरो पे हमारे साथी वासु मौजूद है, शैलेंद्र वहां पे मौजूद है और वो ग्राउंड जीरो से लगातार न्यूज 18 वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा रही है कि आखिर आज हरदा में क्या कुछ हुआ। लेकिन फिर से हर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मौतों का गुनहगार कौन है, ये जो हादसे हुआ इसका गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा सवाल के हादसे का गुनहगार कौन है वासु, लगातार बने हुए हैं। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों से पूरे निष्ठा के साथ मैं ये दोहराना चाहता हूं कि कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, पर हमारी जिम्मेदारी हर पहलू आप तक पहुंचाना है, लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी अपने पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वासु के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। इंदौर में चूंकि एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हुई है, वहां का अपडेट भी लगातार मिथिलेश दे रहे हैं। एक बार फिर वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6:12-13 पर, यानी ब्लास्ट शुरू होने के 7 घंटे बाद, इस सिस्टम के पास एक भी पुख्ता जानकारी नहीं है। ये तक नहीं बता पा रहे कि यह आग कब बुझेगी। अपडेट के साथ बताइए वासु। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो अपने दमखम के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। एमपी से लेकर सेंट्रल की जो टीमें हैं वो तक यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी हैं और लगातार अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई हैं। सबकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे हादसे की भयावहता कितनी बड़ी है, भीषणता कितनी बड़ी है, इसका पता लगाया जा सके। लेकिन आप समझ सकते हैं ललित जी की एक बारूद का ढेर है जिसमें चारों तरफ से आग लगी हुई है और उसको बुझाने का जो काम है, वो जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर टीम्स के द्वारा की जा रही है। और 5-6 घंटे बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी जो धुएं का गुबार है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह अभी भी ब्लास्ट जो है वो हो रहे हैं, जगह जगह रह रह के जो आग है वो यहाँ पर लग रही है। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल आखिर यही है कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। परमिशन की बात अपनी जगह, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पे बारूद का स्टॉक था, तो क्या कभी उसकी जांच हुई थी या नहीं हुई थी? क्या कभी इस बात की जांच हुई थी कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद है या नहीं है? क्या कभी इस बात की जांच हुई थी कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे आपको अगर कोई हादसा हो जाता है तो अपनी जान बचानी है? क्या उन्हें ऐसे कपड़े या ऐसे हेलमेट्स दिए जाते थे जिनसे अगर कोई हादसा हो भी जाए, जैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया, तो उससे बचा जा सके? ये सारे चीजों पर बड़ी जांच होना चाहिए, जांच हो रही है, लेकिन जांच हो भी जाएगी, उसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे, पर उन लोगों की जान वापस नहीं आएगी जो इस पूरे बारूद के ढेर का शिकार हो गए हैं, जो जिंदगियां यहां पर जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि देखिए, पुलिस की टीम हो, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान हो, इन्हें तो आज हमें सलाम करना होगा, इनकी तो जमकर वाहवाही करनी होगी, क्योंकि ये लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर इस पूरे मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें भी नहीं पता है कि कहां बीच में एक बड़ा बारूद का जो ढेर है वो यहां पर रखा हो सकता है, और कोई हादसा अभी भी यहां पे कोई छोटा मोटा ब्लास्ट हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ यहां पे जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम के लोग मौजूद हैं, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि थोड़ी सी उनसे बातचीत करूं, अगर वो यहां पे कुछ जानकारी हमें देना चाहें तो। सर, हाँ मैं समझ सकता हूं सर, बस एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं, लगभग अभी हम क्या मान के चलें कि कितना और यहाँ पे जो टाइम है वो लग सकता है? और ये देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले ये देखिए, एक बार फिर से धुएं का बड़ा गुबार यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम लोग ललित जी बार बार बता रहे थे कि ये जो हादसा है वो किसी भी वक्त यहाँ पे और भी कुछ गंभीर तस्वीरें आ सकती है, क्योंकि बारूद अभी तक पूरी तरह से बुझा नहीं है और ये धुएं का गुबार और ये उठती हुई आग उस बात का सबूत है। सर, क्या अभी भी यहाँ पे और बारूद हो सकता है? हो सकता है, अभी कुछ टैंकों में था और कुछ टैंकों में जैसा अभी ये निकला ऐसे कहीं और टैंक हो सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ड्रम टाइप है उसमें बारूद होता था, तो अभी और हो सकता है इसके अंदर। आप लोगों को सर, आप लोग तो बेहतर रूप से समझ सकते हैं कि इस तरीके के जब हादसे होते हैं लगभग कितना टाइम और लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करने में? 2-3 दिन तक ठंडी नहीं होगी। अभी ये आग तो अभी ये बुझ जरूर जाएगी, लेकिन अभी ठंडा कुछ नहीं होगा। सर्चिंग में थोड़ा समय लगेगा। और अभी आप लोगों को ये उम्मीद है क्या कि यहाँ पे कुछ लोग और दबे हुए हो सकते हैं? उम्मीद है, अभी इसमें जो लोग काम करते थे उनकी उम्मीद है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, काश कोई ना हो यहाँ पर, और हो तो जिंदा आप लोग निकाल लें।
बिल्कुल सर, कोशिश कर रहे हैं, टीम सारी लगी हुई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ। सर हम लोग आपको सैल्यूट करते हैं सर, आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को जज्बा है वो बहुत बड़ा है। और आप यहाँ पे ललित जी सुनी होगी आपने ये पूरी बातचीत और चिंताजनक बात की ओर इशारा किया गया है। बड़ी अपडेट मैं आपको इस वक्त दे दूं कि इस आग को बुझाने में 2 से 3 दिन का समय और यहाँ पर लग सकता है आग को पूरी तरह से ठंडा होने में, क्योंकि ये जो बारूद है ये इतना ज्यादा संख्या में था, इतनी बड़ी संख्या में था कि रह कर यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं, रह कर यहाँ पे धुआं निकल रहा है और धुआं का गुबार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आप देखें यहाँ पे आग क्या, दीपक आप दिखा पा रहे हैं आग की तस्वीर, दीपक कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेम में तस्वीर जो है वो दिख रही है। और देखिए किस तरह से चारों तरफ से पानी की बौछारें वहां पर कर दी गई हैं, उस आग को बुझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ये देखिए फिर से एक बार वहां पर चिंगारियां भड़कती हुई आपको दिखाई देंगी। हमारा मकसद ये सारी तस्वीरें दिखाने का यही है कि यह हादसा कितना बड़ा था, कितना गंभीर ये पूरा हादसा था। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो आसपास के रहवासी हैं, उनमें अफरा तफरी का माहौल है, उनमें दहशत का माहौल है और वो इस पूरी दहशत से आज दो चार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ये काला दिन था और ऐसा दिन कभी ना आए और ना हमारे क्षेत्र में बल्कि कहीं ऐसी घटना ना हो। ये आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो धुएं का गुबार है वो लगातार बड़ा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारूद जो है वो अभी भी यहाँ पे भभक रहा है, जल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो टीम है, जो वेल ट्रेंड है इस तरीके के हादसों को मैनेज करने के लिए, उन्होंने उम्मीद जताई है कि 3-4 दिनों तक ये इसी तरीके की स्थिति रहेगी। उनको भी इस बात का अनुमान है, उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि कुछ जिंदगियां और अभी इस वक्त यहाँ पे दबी हुई हो सकती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा तो काम है पॉजिटिव सोचना और हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और हमारी तो यही कोशिश है कि अगर कोई हो भी तो उसे हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से जिंदा निकाल सकें। तो अभी भी देखिए इस पूरे मामले में जो कैजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ सकती है, और ज़्यादा गंभीर जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं निकल कर यहाँ पर सामने आ सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद आप कह सकते हैं कि दर्दाई हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट अगर हम इस पूरे हादसे को कहें तो गलत नहीं होगा ललित जी। ठीक ठीक ठीक। एक बड़ा अपडेट इस वक्त दे दें, सभी कलेक्टर कमिश्नर की बैठक बुलाई गई है, जिले में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों की जांच होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेहद सख्त हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और लगातार अपडेट, हरदा में एक और ब्लास्ट, जो तस्वीरें अभी वासु दिखा रहे थे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लाइव कवरेज चल रहा था और जेसीबी एक जगह मलबे में, जैसे ही जेसीबी के जरिए उस मलबे को हटाया गया, तस्वीरें ये देख सबसे पहले, जैसे ही जेसीबी ने मलबे को हटाया मानो काल फिर से लौट आया। कल्पना कीजिए कितने मजदूर यहां रहे होंगे और इस तरह से सुलगती हुई है आग, कल्पना नहीं कर पाएंगे आप। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान की ये तस्वीरें, इसी के बारे में वासु जानकारी दे रहे थे, फिर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जेसीबी ने जैसे ही मलबे को हटाने का काम शुरू किया, आग फिर धधकती है। इस धधकती हुई आग को ठंडा होने में 3 दिन लगेंगे और जिन लोगों की जिंदगी यहां खत्म हुई है उनके सीनों में सालों साल वो आग धधकती रहेगी। सिस्टम के प्रति वो आग धधकती रहेगी, लापरवाही के प्रति वो आग धधकती रहेगी, मौत की इस पटाखा फैक्ट्री के प्रति वो आग धधकती रहेगी, अपने मालिकान के प्रति वो आग धधकती रहेगी। ये तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुपर एक्सक्लूसिव। और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है उसी से बात करने के दौरान यह तस्वीर सामने आई। उनका कहना है ऐसी और तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि अलग अलग जगह पर बारूद का स्टॉक रखा हुआ है। अब इसे समझने की कोशिश करिए, पटाखे बनते थे मतलब सुतली यहां पर होगी, वो सुलगते रहती है, बारूद यहां पर होगा उसमें हल्की सी चिंगारी पूरे मामले को बिगाड़ कर रख सकती है। इसके अलावा केमिकल्स यहां पर होंगे, उनकी आग बहुत आसानी से काबू में नहीं आती। ये कॉम्बिनेशन समझिए, ये मौत का कॉम्बिनेशन हो गया। और ये तस्वीरें देखते रहिए, और ऐसी तस्वीरें और भी निकल कर आ सकती हैं। ये बात न्यूज 18 से बातचीत के दौरान एनडीआरएफ एसडीआरएफ का जो स्टाफ वहां पर लगा हुआ है, लगातार इस मलबे को साफ करने में, लोगों की तलाश करने में, इस आग को बुझाने में, उसका यह कहना है
कि ये आग 3 दिन तक धधकती रहेगी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत सतर्कता से, आप सभी से मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सतर्कता से ये रिपोर्टिंग आप करें। और एक बार अब जरा हमीदिया से अपडेट किस तरह का है, प्रशांत बहुत देर से जुड़े हुए हैं, प्रशांत हमीदिया से क्या अपडेट? जी है, और उसमें एक और मरीज आया है, कुल अगर हम हमीदिया में इस वक्त कहें तो 7 मरीज अभी तक पहुंच चुके हैं, एक मरीज की मौत हुई है, लेकिन एक मरीज नर्मदा हॉस्पिटल, भोपाल के निजी हॉस्पिटल नर्मदा में भी पहुंचा है, वहां उसका इलाज चल रहा है। तो कुल भोपाल 8 मरीज आए हैं हरदा से जुड़े हुए, और एक मरीज की मौत हो चुकी है। उस नजरिए से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुल 7 मरीज हैं अब भोपाल में हरदा हादसे से जुड़े हुए। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ और एम्बुलेंस पहुंच सकती है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, वासु के पास एक बड़ा अपडेट है। वासु, क्या अपडेट? वासु के पास भी हम आपको चलेंगे, शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं आप लोगों की भेजी। देखिए बिल्कुल ललित, अभी भी हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर अभी भी रह रहकर कुछ विस्फोट हो रहे हैं। देखिए यहां पर आपको फिर आग जलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अभी रेस्क्यू के समय छोटा सा एक विस्फोट हुआ, उसके बाद यहां पर भी सारी टीम पीछे हटी है। इसके अलावा वो वाली इमारत जिसमें देखिए आप बारूद सुलग रहा है, बार बार धधक रहा है, तो वहां से अब टीम थोड़ा सा पीछे हटी है और अब पानी की बौछारें वापस से तेज मारी जा रही ताकि कुछ बारूद हो वो ठंडा हो, गीला होकर और विस्फोट ना हो, क्योंकि यहां पर जब विस्फोट हुए थे तो कई दूर दूर तक, कई 200-300 मीटर दूर तक इस इमारत के कई हिस्से, कई छज्जे उड़कर गिरकर लोगों को लगे थे, तो इसलिए थोड़ा सा अभी रेस्क्यू को रोका गया है और अभी पानी से आग बुझाई जाने का काम चल रहा है, क्योंकि यहीं पर वो हिस्सा है जहां पर अभी बारूद में विस्फोट हुआ था। ये टीम आपको सारी दिखाई दे रही है, अब अगले आदेश का इंतजार कर रही है। हम आइए उनसे बात भी करते हैं अगर कि क्या स्थिति है, और हम यहाँ पर बात करेंगे अभी कि रेस्क्यू में और कितना समय लगेगा और किस तरह के इंतजाम में। हमारे साथ जेम्स सर, क्या स्थिति है अब रेस्क्यू में, कितना और समय है? क्या अभी ये बिल्डिंग में अभी भी आग लग रही है, धुआं उठ रहा है, हम पहले इसी को ठंडा कर रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से आग बुझ जाए उसके बाद ही इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हम कर पाएंगे। अभी भी आग लग रही है, आप देख रहे हैं सभी तरफ धुआं निकल रहा है, जब तक पूरी तरीके से आग नहीं बुझ जाएगी, क्योंकि इसमें हमें आइडिया नहीं है कितना बारूद है, क्या है, कुछ आइडिया नहीं है उसमें। सर क्या लग रहा है, कितना टाइम लग सकता है लगभग? ये आग बुझने के ऊपर है, लगातार फायर ब्रिगेड आ रही है, आग बुझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, जैसे ही आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी, जब हम ऐसी स्थिति में होंगे कि हम अंदर जा सकते हैं, तब हम सर्च करेंगे। लगभग कितना अभी दमकलें लग चुकी है पानी, और कितना जरूरत है, कुछ अंदाज बता सकते हैं? दमकल तो कम से कम 50-60 फायर ब्रिगेड लगी हुई है, सभी आसपास के सभी जिलों से आ गई हैं, और कंटिन्यू हम पानी डाल रहे हैं उसमें, आग बुझाने की पूरी कोशिश जारी है, जैसे ही आग बुझ जाएगी हम उसमें सर्च करेंगे। देखिए मयंक कुमार जैन जो कि बता रहे थे कि हम लगातार प्रयासरत हैं, अभी जब आग बुझेगी यहाँ पर, क्योंकि लगातार कितना बारूद है किसी को नहीं पता है कि कितना स्टोर उसके अंदर था, क्योंकि बताया जा रहा है इसके इमारत के नीचे एक तहखाना भी था, उस तहखाने में बहुत बड़ी संख्या मात्रा में टन, कई 50-60 टन का करीब बारूद था, तो वो बारूद अभी भी नीचे है, इस कारण अभी रेस्क्यू में दिक्कत आ रही। तो कितना समय लगेगा जब शव निकालने के लिए टीम अंदर जा सकेगी, अभी ये सब बताना अभी भी रेस्क्यू टीम के लिए असंभव है। वो कह रहे हैं कि अभी इसमें कुछ और घंटे लग सकते हैं, अभी तो पानी से आग बुझाने, बारूद को ठंडा करने का ही काम सबसे ज्यादा चल रहा है। घंटे बाद कोई भी तस्वीर नहीं है साफ, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वासु क्या अपडेट? चलिए वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन यह तस्वीरें देख लीजिए जो लाइव रिपोर्टिंग के दौरान, इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह की स्थितियां वहां है। एक और धमाका, बड़ा धमाका हुआ, एकदम से धमाका हुआ, और जिस तरह की जानकारी अभी शैलेंद्र दे रहे हैं,
अगर वो पुख्ता तौर पर उस तहखाने की बात है तो अंदाजा लगा लीजिए कि बारूद के ढेर पर हरदा बैठा हुआ था। अगर वहां पर तहखाना था और अगर वहां टन में बारूद है, टन बड़ी मात्रा होती है, शुरुआत में भी हमने आपको बताया कि लोगों के घरों में बारूद था जिससे स्थितियां लगातार बिगड़ती चली गई, और अब अगर तहखाने में इतनी बड़ी मात्रा में बारूद का भंडारण था तो आग के ढेर पर बैठा हुआ था हरदा। आज से नहीं, कल से नहीं, महीनों से नहीं, तकरीबन 20 साल से। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जब जानकारी वास्तु ले रहे थे, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है उनसे जब चर्चा कर रहे थे तब की ये तस्वीरें हैं। इसे बार बार दिखाने का मकसद ये कि इससे समझिए आप कि किस तरह की स्थितियां उस जगह पर हैं जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिखा रहे हैं मलबे में किस तरीके से धमाका हुआ और हर तरफ वो ऊनी बम जिसे लगातार हमारे संवाददाता दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से, वासु भी दिखा रहे थे और शैलेंद्र भी दिखा रहे थे। वो एक बॉम्ब जो आमतौर पर हम किसी भी त्योहार में जब जलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, और यहां तो भारी मात्रा में उस तरीके के बॉम्ब रखे हुए थे, उसकी उसको बनाने की सामग्री रखी थी, उसकी वजह से जो ये ब्लास्ट हुआ। अभी भी ये आग आप देखिए किस तरीके से आग के जो गुब्बारे हैं साफ तौर पर पूरे आसमान में छा गए हैं। मलबे में कई लोग अभी भी दबे हुए हैं, इसकी भी जानकारी जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बातचीत की जब, वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वासु लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये ब्लास्ट और उसके बाद अभी भी हम कह सकते हैं कि वहां पर इस तरीके के ब्लास्ट आगे भी हम देखेंगे क्योंकि अभी पूरे तरीके से आग बुझी नहीं है। बिल्कुल, देखिए आग पूरी तरीके से अभी बुझी नहीं है और अभी भी इस तरीके की जो तस्वीरें सबसे पहले हमने न्यूज 18 के कैमरे से आप लोगों को दिखाई हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि कितना बड़ा ये पूरा हादसा है। और अभी भी जो और भी जो बारूद के ढेर हैं, जब वहां पर रेस्क्यू की टीमें पहुंचेंगी और उसको हटाने की कोशिश करेंगी तो वहां पर फिर से दोबारा कोई ब्लास्ट होने की गुंजाइश बनी है, इसलिए पूरा जो ध्यान है वो रखा जा रहा है, तमाम प्रोटोकॉल्स का जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तस्वीरों में कि अंधेरा अब यहाँ पे पूरी तरह से छाने लगा है। सुबह के वक्त ये पूरा हादसा हुआ था, सुबह से अब शाम होने को आ चुकी है, दिन पूरी तरह से ढल चुका है, लेकिन धुएं के गुब्बार जैसे सुबह उठ रहे थे उसी तरीके से अब भी यहाँ पर उठते हुए साफ तौर पर आपको नजर आएंगे, साफ तौर पर आपको दिखाई देंगे। जितनी मशीनें सुबह इस आग को बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी अभी भी उतनी ही मशीनें यहाँ पर इस आग को बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। और ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसने एक बार फिर से यहाँ पे पानी की बौछार करना शुरू कर दिया है, और इसे समझा जा सकता है कि अभी भी इस बात की जरूरत यहाँ पे समझ में आ रही है। कोशिश की जा रही है कि जितनी दूर तक इस पानी को फेंका जा सके उतनी दूर तक ये पानी जाए ताकि ये जो पूरी फैक्ट्री का एरिया था उसको कवर किया जा सके और उस तमाम बारूद को और बारूद में भभक रही आग को शांत किया जा सके कि ताकि और ज़्यादा जो आग है वो यहाँ पे ना भड़के। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है, तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर से आग बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे ही पानी पड़ता है आग का गुबार जो है वो उठने लगता है तो रह रह के जो आग है वो जल रही है। और इससे एक बात तय मानिए कि जो ये तो काला काला है, एनडीआरएफ से लेकर तमाम टीमों के लिए जितना अंधेरा होगा उतनी ज्यादा चुनौती। निश्चित तौर पर देखिए जितना अंधेरा होता जाएगा उतनी चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान है, ये सेना के जवान है, इन्होंने थकना नहीं सीखा, इन्होंने हटना नहीं सीखा और ये लगातार विषम परिस्थितियों में भी डटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में जब ये रेस्क्यू का काम कर रहे हैं तो ये भी बारूद के ढेर के ऊपर चढ़कर काम कर रहे हैं, इन्होंने अपनी जान को भी कहीं ना कहीं जोखिम में डाला हुआ है ये कहना गलत नहीं होगा, और तमाम एहतियात ये लोग जरूर बरत रहे हैं। और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे दर्शकों से भी यही अपील है कि प्रार्थना करिए कि अगर अभी भी कोई लोग यहाँ पर दबे हुए हों तो उनको जल्द से जल्द उन तक पहुँचा जा सके और उन्हें इलाज मिल सके, और ये तमाम जो टीमें यहाँ पर लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं इन्हें किसी तरीके की चोट ना आए, इनके साथ किसी तरीके का कोई हादसा जो है वो ना हो, क्योंकि एक बड़ा एक हादसा यहाँ पर हुआ है और आग
कि लपटें जो है वो अभी तक यहाँ पे महसूस की जा रही है। मौसम भले ही सर्दियों का है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर मुझे गर्मी जो है वो महसूस हो रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ के आग भपकी है उसका असर यहाँ के आसपास के एनवायरमेंट में भी जो है वो हुआ है। और इतना ही नहीं, जब मैं यहाँ पे लोगों के पास पहुँचा था, यहाँ के जो स्थानीय निवासी, उन्होंने कहा कि हम लोगों के जो मोहल्ले पड़ोस के आसपास के घर हैं वो बुरी तरह से इस पूरे हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और जो इस फैक्ट्री के आसपास जो फैमिली, ये देखिए तस्वीर, ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पे आग भपकती हुई यहाँ पे आपको नजर आएगी। इन तस्वीरों में आग लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से टीम और करीब और नज़दीक पहुँचने की कोशिश करती है तो लगातार जो बारूद के नए नए ढेर है वो यहाँ पर सामने आते हैं और उनमें से आग का गुबार जो है वो निकलता हुआ दिखाई देता है। तो अब रात हो चुकी है, देर शाम हो चुकी है, पूरी तरह से यहाँ पर जो अंधेरा है वो हो चुका है और आसपास भी यहाँ पे चारों तरफ खेत हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रीट लाइट्स के या फिर मर्करी और हेलोजन लाइट्स के कोई साधन जो है वो यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो NDRF और SDRF की टीम है उनको यहाँ पे लाइट की भी, रोशनी की भी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर उन्हें करनी होगी, ताकि जो ये पूरा ऑपरेशन है वो लगातार निरंतर चलता रहे, वो ऑपरेशन जो है वो लगातार निरंतर यहाँ पे जारी रहे। और ये तस्वीरें हम लोग लगातार पहुंचा रहे हैं कि और तेजी जो है वो यहाँ पर लाई गई है और चारों तरफ से यहाँ पे आपको बता दूं कि जो दमकल की टीम है वो लगी हुई है, जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो लगा हुआ है और लगातार एक के बाद एक एक टैंकर खाली होता है तो उसको भेज दिया जाता है, जब तक दूसरा टैंकर वहाँ पे रिफिल होके पहुँच जाता है और फिर उससे वहाँ पे आग बुझाने की जो कोशिश है वो की जाती है। और लगातार चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मशीनों के चलने का शोर सुनाई दे रहा है और सायरन सुनाई दे रहा है। ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लगातार आग जो है वो भपक रही है, आग जो है वो धधकती हुई यहाँ पे नजर आ रही है और लगातार आग के जो गुबार हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितना बारूद अभी भी मौजूद है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात, कितना बारूद अभी भी यहाँ पर मौजूद है कि लगातार वहाँ पे रह रह के जो आग है वो यहाँ पर भड़कती हुई दिखाई दे रही है। आग जो है बार बार यहाँ पे निकलती हुई और बारूद से जो चिंगारियाँ जिस तरीके से निकलती हैं वो दिखाई यहाँ पे स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और जो यहाँ पे बचाव दल कार्य कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि इस आग को पूरी तरह से बुझने में, इस आग को पूरी तरह से ठंडा होने में 2 से 3 दिन का जो समय है वो भी लग सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वासु आप, और वजह यह भी हो सकती है कि जैसे ही ऊपर का हिस्सा पानी में डूबता है, नीचे का जो बारूद है या हल्की पुल्की जो चिंगारी है, जैसे ही JCB उसे हटाती है एक बार फिर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू होती है और फिर वो बारूद बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है और यह सिलसिला चलता रहेगा। ये एक संभावित मैकेनिज्म यहां पर हो सकता है, संभावित, और यह सिलसिला ऐसा लगता है कि अभी लंबा चलेगा।